नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ सोल्यूट पे। तो हमने सोल्यूशन में दो चीजें पढ़ी ना, एक सोल्यूट पढ़ा एक सॉल्वेंट पढ़ा। अब सोल्यूट कितने तरह के होते हैं? सोल्यूट जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस किसी भी शक्ल में जो है सोल्यूट हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कोई भी जो है ना वो सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन ये सोल्यूट आगे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, किस बुनियाद पे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे। पहले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सोल्यूट्स जो कि आयोनाइज हो जाएं एक सोल्यूशन के अंदर, यानी वो जब सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे तो वो आयोनाइज फॉर्म में होंगे, और जब वो आयोनाइज फॉर्म में होंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अपने अंदर से बिजली को इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देंगे। ऐसे सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन बनाएं कि जिसके अंदर वो सोल्यूशन के अंदर जाके वो आयोनाइज हों और बिजली कंडक्ट करें, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होते हैं इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू सेम कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यानी अगर हमारे पास एक सोल्यूट किसी सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रोलेट की शक्ल में मौजूद है, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसी भी जो है सेम कंसेंट्रेशन वाले सोल्यूशन बट नॉन आयोनाइज फॉर्म वाले सोल्यूशन के अंदर। और इलेक्ट्रोलाइट को आगे दो क्लासों में सब डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कुछ सोल्यूट, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ऐसा सोल्यूट जो सोल्यूशन में जाते ही और कंप्लीट डिजोल्व हो, यानी उसका एक एक आयन जो बन सकता है वो अंदर जाके आयोनाइज हो जाए, आयन बन जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रोलेट, ऐसा जो सोल्यूट इलेक्ट्रोलेट है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl, NaCl, Na अलग Cl अलग। वाटर के अंदर अगर हम वाटर के अंदर हम सोल्यूशन बनाएंगे NaCl का, तो हर सोडियम और हर क्लोराइड आयन जो है वो आयोनाइज फॉर्म में होगा। इसी तरह Na2SO4, इसी तरह HCl की मिसाल। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन जब बनता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसका ऑपोजिट, ऐसा सोल्यूट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पार्शियली आयोनाइज हो, यानी उनका कुछ हिस्सा तो आयोनाइज हो, कंप्लीटली वो आयोनाइज ना हो, उनका वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसमें हमारे पास है एफिड्रीन और फिनोबार्बिटल। जी तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूट दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट क्या होता है। ऐसा सोल्यूट जो कि आयोनाइज ना हो सोल्यूशन के अंदर जाके, और जब वो आयोनाइज नहीं होगा तो ऐसा सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास सुक्रोज है, ग्लूकोज है, यूरिया है, नेफ्थलीन, ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की एग्जाम्पल्स हैं। अगर इनसे सोल्यूशन बनाएंगे तो वो ये सोल्यूशन के अंदर जाके जो है आयोनाइज नहीं होंगे और ना ही बिजली को कंडक्ट करेंगे। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।